हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम के अंदर एक समस्या जो आपके साथ आती ही आती है अगर आप बिगिनर हैं तो, ऐसा मैंने पहले भी बताया है कि किस तरीके से ये समस्या आपको पेश आती है और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आइए एक बार और देखते हैं, क्योंकि एक हमारे व्यूअर हैं जिनका रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत आ रही है और दिक्कत क्या है, आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये टैली प्राइम ओपन है। अब समस्या ये है कि आप नई कंपनी जब बनाने के लिए जाते हैं तो आपको टैली प्राइम में क्या प्रेस करना चाहिए, F3 प्रेस करना चाहिए। तो आप जैसे ही F3 प्रेस करते हैं तो ये विंडो आती है। अब इस विंडो को ध्यान से देखिए, ये विंडो में आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा क्रिएट कंपनी, ये दिखाई पड़ रहा है क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पर जाकर के आपको सीधा एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके सामने एक नया फॉर्म खुलता है। अब इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर देख सकते हैं आपका बाई डिफॉल्ट पाथ है, यहीं पर आपकी फाइल जाकर के सेव होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर होम एंड कंपनी, जो भी नाम है आपके कंपनी का, वो कंपनी का नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे आपका लोकल एरिया का जो भी आपका जो नाम है वो यहाँ पे आता है, न्यू कॉलोनी देवरिया यहाँ पे कर दिया हमने, तो ये इस तरीके से हो जाएगा न्यू कॉलोनी DEORIA, ये हो गया, एंटर किया। यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर स्टेट का नाम डालना कंपलसरी होता है आपके लिए और बाकी की डिटेल आप फिल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो भी आप डेट डाल देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब देखिए, ये एंटर किया इस तरीके से और इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब एक्सेप्ट करने के बाद GST वगैरह अभी नहीं चालू कर रहा हूँ मैं सीधा आ जाता हूँ प्रॉब्लम पर कि क्या आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री पास करने के लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए रिसिप्ट वाउचर में F6 प्रेस करके आएंगे एंट्री पास करने के लिए, तो कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है और आप सीधा क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना चाहेंगे। तो यहां से कैपिटल अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करते हैं, तो ये हो गया कैपिटल, क्योंकि कंपनी में लगाया जाने वाला फंड या पैसा कैपिटल ही कहलाता है, उसे किसी दूसरे नाम से आप नहीं ये कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लेते हैं आप, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का लेजर आ जाता है। अब मान लीजिए जो भी कैपिटल आपने लगाया होगा वो यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कैश या बैंक कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर दिया। अब लीजिए, ये दिक्कत आ गई आपको, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया द डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट। अब यहाँ पर परेशानी शुरू हो जाती है आपकी, ठीक है। आप क्या करते हैं, कभी कभी तो आप Alt+F2 करके और पीरियड चेंज करने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि जो है पीरियड हमारा गलत हो गया है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आप एंट्री करेंगे तो आपको जो है ये दिक्कत आएगी। तो अभी देखिए इसमें सुधार कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कंपनी का स्टेटस चेक करना है कि कंपनी का स्टेटस क्या रहा, ठीक है। तो F3 प्रेस करके और यहाँ से कंपनी को अल्टर कर लीजिएगा और अल्टर करते ही आएगा होम एंड कंपनी, जो नाम था जो भी नाम था, यहाँ पर एंटर करके आइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2024 को, और फिर जो हमारा काम है वो 2 मई को शुरू हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट रखिएगा कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है, लेकिन आपकी जो कंपनी में काम करने का डेट है वो 2 मई 2024 है, ठीक है। इस चीज को नोटिस करके तब आ जाते हैं वापस। और अब यहाँ पे देखिए 31 मार्च से हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, F2 प्रेस करके 2 मई, क्योंकि काम शुरू होने की डेट 2 मई है, तो 2 मई 2024 वाली डेट यहाँ पे डालना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है, डेट कैन नॉट बी एबव द करेंट पीरियड, पहले तो बिलो कह रहा था अब एबव कहने लगा। ऐसे में बहुत परेशान हो जाते हैं और आपको दिक्कत होती है और टेलीमेट्रीज ठीक से नहीं पास कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम आप क्या करिए कि Alt+F2 करके फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए। देखिए हमने 2024-25 रखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 24 में स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 को और 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। लेकिन यहां पर देखिए पीरियड में क्या है, 1/4/2023 है, तो हम क्या करेंगे 1/4/2024 कर देंगे इसको और 31/3/2025 कर देंगे इसको, तो इतने से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर में आते हैं और एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर आए और यहाँ पर जो भी अमाउंट आपको डालना है वो डाल दीजिए, एंटर करिए और यहाँ पर कैश ही कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब आते हैं तो लीजिए, अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है। तो अब ये दिक्कत क्यों बनी हुई है, कारण ये है दिक्कत के बने होने का कि यहाँ पर जो है डेट आपने चेंज नहीं किया, क्योंकि ये तो आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होने का डेट है, काम शुरू होने की डेट क्या है ये आपको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे F2 करिए और यहाँ पे काम शुरू होने की डेट डालिए, तो 2 मई 2024 ये काम शुरू होने की डेट है, ठीक है।
2 मई 2024 तो ये डाल दिया। अब ये जब डाल देंगे तब फिर ये आराम से एक्सेप्ट हो जाएगा, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। नरेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, फिलहाल स्किप करता हूँ और देखिए ये एक्सेप्ट होने लगा और ये एक्सेप्ट भी हो गया। तो इस तरीके से आपको समाधान निकालना है इसका। उम्मीद करता हूँ इससे पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा आपको, थैली में कभी ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब इसके अलावा एक और दिक्कत बनती है, जैसे मान लीजिए ये तो एक्सेप्ट करा लिया हमने, इसके बाद जब आप परचेज में एंट्री पास करने जाते हैं और यहाँ पर देखिए F2 प्रेस करके डेट चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 3 तारीख में एंट्री पास करना है, भाई पहली एंट्री तो हो गई हमारी जब से काम शुरू होना था, लेकिन 3/5/2024 में एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पे ये डेट नहीं चेंज होता है। तो देखिए अगर आपने टैली का पेड वर्जन नहीं इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, पेड वर्जन आपको परचेज करना होता है, ठीक है, उसके लिए पैसे खर्च करने होते हैं, तो उसे अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और अगर नहीं खरीदा है तो आपने इंस्टॉल किया होगा एजुकेशनल मोड, और एजुकेशनल मोड जो है ये जो है टैली में, इसमें आप 2 या 3 ही डेट चेंज कर पाएंगे, या तो 1 तारीख के डेट में काम करेंगे, या तो 2 तारीख के डेट में काम करेंगे, और नहीं तो 30/31 में से किसी एक डेट में काम कर पाएंगे। तो ये दिक्कत आपको इसलिए भी बन सकती है कि आपने टैली का वर्जन पे करके खरीदा नहीं है, तो इसके लिए दिक्कत हो सकती है। बाकी एजुकेशनल मोड तो टैली ने दिया है कि आप उस पर अभ्यास कर सकें, उस पर काम कर सकें, जिससे आपको अभ्यास हो जाए, टैली सीखने के लिए ये दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। इसके अलावा बाकी तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, इसमें सारी चीजें मैंने समझा दिया, डेट से रिलेटेड सारी चीजें। जब भी पीरियड चेंज करना है तो क्या करना है, Alt F2 करना है, डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है, ठीक है। और जो भी पीरियड आप देंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट भी तैयार होता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एंट्री पास करी गई है, देख सकते हैं ये, तो ये एंट्री कब पास करी गई है, 2 मई 2024। तो अगर मैं दूसरी एंट्री भी यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे बी बटन प्रेस करके और परचेज वाउचर में जा करके एक दूसरी एंट्री पास करते हैं, यहाँ पर आए, सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाला, यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर आप ये परचेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट मैं चेंज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कर देते हैं 31/5/2024, तो ये कर दिया, तो यहाँ पे देखिए डेट चेंज हो गया है। अब यहाँ पर वही डेट नजर आ रही है, लेकिन आप यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं, 31/5/2024 कर देंगे तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। इस बार हम कैश में परचेस कर रहे हैं सामान, तो ये कैश कर दिया, कोई भी क्रेडिटर पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपका जो भी GSTIN नंबर है वो GSTIN नंबर आता है, लेकिन इसको स्किप करता हूँ। यहाँ से क्रिएट पे आते हैं, परचेस का लेजर बनाते हैं, ये परचेस का लेजर बन गया, ये जाएगा अंडर परचेस अकाउंट, ग्रुप का सही सिलेक्शन भी बड़ा जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, और ये आ गए। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम की बात करेंगे, तो जैसे मान लीजिए स्टॉक आइटम में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल, REFINED रिफाइंड OIL ऑयल, और ये डाल करके यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जैसे आते हैं तो Alt C करते हैं, और Alt C में करने के बाद यहाँ पे LTR सिंबल क्या डाल देते हैं, LTR डाल देते हैं, और यहाँ पे LITRE लीटर कर देते हैं, और यहाँ पे L प्रेस किया हमने, और जैसे ही L प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए किलो लीटर मिली लीटर ये आएगा, तो मिली लीटर रख करके यहाँ 3 कर देते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है, और एंटर एंटर करके इसे भी एक्सेप्ट करा लेते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे 55 लीटर की बात हो रही है, और 1 लीटर की खरीद रेट 120 रुपये, तो 55 लीटर की कितनी आएगी वो यहाँ पे आ गया है ऑटोमेटिक, ठीक है। बाकी यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं और एंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो अभी मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि 2 मई तक कौन कौन सी रिपोर्ट जो है कितनी एंट्रीज करी गई हैं, तो यहाँ पे Alt F2 करके 1/4/2024 से, और देखिए यहाँ पे 31/3/2025 दे रहा है ना, तो आपको 2 मई तक का ही देखना है, तो 2/5/2024 कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो रिपोर्ट एक ही दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे में आपको घबराना नहीं है कि एक ही रिपोर्ट क्यों दिखाई पड़ रही है, इसलिए दिखाई पड़ रही है क्योंकि आपने जो पीरियड है उसको चेंज किया है। अगर इसी पीरियड को बढ़ा करके आप पूरा कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता हूँ मैं, Alt F2 करता हूँ, और यहाँ पे देखिए 2 मई 2025 से लेकर के यहाँ पे कर देता हूँ, या फिर 1 अप्रैल भी कर सकते हैं आप, 31/3/2025 कर देता हूँ, ये देखिए, तो ये दोनों रिपोर्ट शो होने लगेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।